जैसा कि न्यूमेरिकल मेथड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, बीसीए, एमसीए और बीटेक करने वाले बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रखता है। पहले वाले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल मेथड्स का फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स के मेथड क्या होते हैं और न्यूटन फॉरवर्ड ग्रेगरी मेथड्स को हमने वहाँ पर प्रूव करते हुए देखा था। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले को हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे। आगे फिर हम लोग उसके आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखा जाए तो ये यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे जितने भी यूनिट हैं इसी आधार से आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे हमने, जैसा कि अगर आप इसको पहला लेक्चर मान के कर रहे हैं तो आप पहले इंटरपोलेशन फॉरवर्ड मेथड जरूर देख लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस की थी, बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे यहाँ बढ़ रहे हैं। एक हमने यहाँ पे पॉलीनोमियल माना है, वो आपके सामने है। देखिए कि यहाँ पर जब आप टर्म में ऑब्जर्व करेंगे तो कांस्टेंट अगर A3 है तो यहाँ पे तीन फैक्टर लिए, और कांस्टेंट A2 है तो दो फैक्टर लिए, और कांस्टेंट A1 है तो एक फैक्टर लिया है। तो ऐसे कांस्टेंट An होगा, N फैक्टर लेंगे। तो जब अगर किसी भी टर्म में कोई पॉलीनोमियल हो, किसी भी टर्म में सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म ही उस पॉलीनोमियल की डिग्री डिसाइड करती है। तो यहाँ पर एक ऐसा टर्म आया है जहाँ पे n फैक्टर आ रहे हैं, x के n फैक्टर हैं तो उसकी डिग्री n होगी। तो एक हमने पॉलीनोमियल अपने आप से कंसीडर किया है, वो n डिग्री की पॉलीनोमियल है, जहाँ पर हमने a0 a1 a2 a3 an कांस्टेंट एज्यूम किए हैं। यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट वैल्यूज दी होंगी और डिजायरेबल कोई भी उन इक्वल साइज के इंटरवल में किसी भी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो आगे देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। इन दोनों इंटरपोलेशन से या तो ये प्रूविंग या कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इसको, इस यूनिट को बहुत इंपॉर्टेंस दें। यहाँ पर जैसा कि बताया गया था, a0 a1 a2 डॉट an आर कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर हम x की वैल्यूज a+nh a+n-h a+n-2h, मतलब बैकवर्ड पीछे जा रहे हैं, ऐसी वैल्यूज जो धीमे धीमे h साइज से कम होती जा रही हैं वो रखेंगे। तो जब x की वैल्यू a+nh रखेंगे, जो हमने पॉलीनोमियल में अज्यूम की है, तो हम f ऑफ a+nh जब यहाँ पे रखेंगे, तो जब यहाँ देखिए कि a+nh यहाँ रखेंगे या यहाँ पर a+nh रखेंगे या यहाँ पर a+nh रखेंगे, तो ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो इस समय a0 की वैल्यू f ऑफ a+nh आ गई, यानी जो कांस्टेंट था वो हमें f ऑफ a+nh पता था, ऑलरेडी नून था, तो a0 आ गया। अब हमने एक साइज, एक स्टेप साइज कम किया, तो जब a+nh में एक कम करेंगे तो a+n-1h हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर फिर से अगेन, तो यहाँ पे f ऑफ a+n-1h प्लस इक्वल्स टू a0, और यहाँ पर देखिए a1 इंटू x की जगह रख देने वाले a+n-1h यहाँ पे रखने वाले, रख दिया यहाँ पे, फिर माइनस a+nh। आगे देखेंगे तो सारे टर्म में यहाँ पर भी अगर a+n-1h रखें, यहाँ पर भी a+n-1h रखें, यहाँ पर भी रखें, सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो f ऑफ a+n-1h बराबर a0 प्लस a1। अब देखिए इसको हम ओपन कर देते हैं, तो यहाँ a, यहाँ nh, माइनस h, यहाँ माइनस a और माइनस nh, तो nh से nh कैंसिल हुआ, तो a से a कैंसिल हुआ। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई और करते हैं, फर्दर a+n-1h इक्वल टू a0, और देखिए यहाँ से माइनस, तो माइनस h a1 आ गया, ओके। इतनी बात को आप ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, यहीं पे हमने अभी छोड़ा था, माइनस एच ए वन, इसको हमने यहां लिखा, इसको इधर ले गए, एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस एच माइनस ए नॉट, तो माइनस एच ए वन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एन एच। अब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, एच को डिवाइड करते हैं, तो a1 बराबर आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर एफ ऑफ a+nh माइनस एफ ऑफ a+
एन एच माइनस एच अपॉन एच। अब जरा ऑपरेटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, कहने का मतलब जो हमारा इनपुट है उसमें h स्टेप साइज बढ़ा के फंक्शन की वैल्यू को इवेल्यूएट करता है, फिर उसी जिस पर ऑपरेटर लगा रहे उससे डिफरेंस लेता है, एक स्टेप आगे जाके फंक्शन की वैल्यू को उसी से डिफरेंस लिया। बैक पर आप ऑपरेटर आप f ऑफ a प्लस एच लगा रहे हैं तो f ऑफ a प्लस एच उसी का उससे कम, f ऑफ a से डिफरेंस, मतलब आप डेल्टा बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ ए प्लस टू एच करोगे तो उसी का उससे कम। अगर यहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस लगाते तो देखो यहाँ क्या किया गया, पहले एक बढ़ा दिया तो एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच का उसी से एफ ऑफ ए प्लस टू एच। तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमने एफ ऑफ ए प्लस एन एच पर फंक्शन की वैल्यू और उससे कम, तो यहाँ बैकवर्ड डिफरेंस लग रहा है, तो बैकवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन एच, ठीक है। अब अगेन एक्स की जगह ए प्लस एन एच माइनस टू एच, जैसा कि अभी करते आ रहे हैं एक एक स्टेप धीमे धीमे घटाते जा रहे हैं, तो हमने माइनस टू एच किया रखा, तो अब इस बात को बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर हमने रखा फंक्शन की वैल्यू नोन है जो ए प्लस एन एच माइनस टू एच, यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ रखने पर देखिए एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू को रिप्लेस किया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखी है हमने यहाँ पे, फिर माइनस दिस, फिर ए टू में रखेंगे, देखिए ए टू में ए प्लस एन एच माइनस टू एच यहाँ रखेंगे तो ये आया, अब माइनस ए प्लस एन एच ये आया, फिर एक्स ये वाले फैक्टर को यहाँ दिखा रहे हैं, इस वाले फैक्टर को ए प्लस एन एच माइनस टू एच माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच ये है ना। फिर आगे देखिए जब ए थ्री वाले स्टेप में ऑब्जर्व करेंगे तो ए प्लस इसका मतलब क्या है, यहाँ देख लें ए प्लस एन माइनस टू एच है, तो जब भी ए प्लस एन माइनस टू एच जाएंगे तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा, अब आगे इसमें भी जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया ए टू तक गए, ठीक। अब देखिए एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस टू एच है, ये ए नॉट है, यहाँ ए वन, अब यहाँ ए प्लस एन एच माइनस टू एच ओपन कर दिया, माइनस ए माइनस एन एच, फिर ए टू में ये भी सारे ओपन कर दिया, ए प्लस एन एच माइनस टू एच माइनस ए माइनस एन एच, यहाँ पर भी देखिए ओपन कर दिया हमने ए प्लस एन एच माइनस टू एच और फिर माइनस ए फिर माइनस एन एच माइनस और माइनस माइनस क्या प्लस एच हो गया। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास फंक्शन इस सिचुएशन में आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस टू एच, तो ऐसे ही ए नॉट, अब देखिए इसको जब ओपन किया तो ए से ए कैंसिल हुआ, एन एच से एन एच हुआ, तो माइनस टू एच बचा, तो ए वन माइनस टू एच प्लस ए टू के साथ देखिए यहाँ पे दिखाया गया ए से ए कैंसिल, एन एच से एन एच कैंसिल, माइनस टू एच रहा, ए माइनस टू एच, और यहाँ पर ए से ए कैंसिल, एन एच से एन एच कैंसिल, माइनस टू एच से प्लस एच, तो माइनस एच हो गया। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो अभी तक जो स्टेप हमने सॉल्व किया यहाँ पर, अभी हमने आगे इसको देखते हैं, तो ए नॉट यहाँ पर माइनस टू एच ए वन और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस टू एच स्क्वायर ए टू आ गया। अब हमें ए नॉट और ए वन हम पहले निकाल चुके हैं, ए टू निकालना है, तो देखिए इसको यहीं रखा, इसको हम इधर ले गए, तो ये एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस टू एच यहाँ पे है, ये और ये हमारे इधर चले गए, तो प्लस टू एच ए वन और माइनस ए नॉट, हाँ तो यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे प्लस कर दिया, ये ए वन की वैल्यू निकाली थी एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया, और ये ए नॉट की वैल्यू निकाली एफ ऑफ ए प्लस एन एच, पहले निकाल चुके हैं हम लोग, तो टू एच स्क्वायर ए टू बराबर एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस टू एच यहाँ पे आ गया, ये आ गया यहाँ पे, और एस से एस कैंसिल हो गया तो ये टू, तो प्लस का टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच और ये माइनस का हो जाएगा टू टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस एच और माइनस एफ ऑफ ए प्लस एन एच,
तो हम अगर देखें डेल्टा बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच पे अप्लाई करें तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डेल्टा बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच। अब बैकवर्ड डेल्टा क्या करता है, जो वैल्यू जिस आर्गुमेंट पे वैल्यू है उससे डिफरेंस लेता है उससे एक कम। तो ये वाला स्टेप इससे मैच किया, ये वाला मैच कर गया। अब देखिए ये वाला स्टेप ए प्लस एन एच माइनस एच माइनस का है, ए प्लस एन एच माइनस एच, ये तो दोनों माइनस माइनस टू टाइम्स हो जाएंगे, ये मैच हुआ। और देखो यहाँ पॉजिटिव है, ए प्लस एन एच है तो यहाँ पर टू टाइम्स ए प्लस एन एच और माइनस ए प्लस एन एच, ये प्लस हो जाएगा नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये वाला स्टेप है इस वाले स्टेप को अगर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो यहाँ पर आ गया ए टू बराबर बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन इसको ले जाएंगे नीचे फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर। तो एक पैटर्न हमारा बन गया, उसको देखते हैं। तो हमने यहाँ कांस्टेंट जो ए नॉट ए वन ए टू ए एन थे, ए नॉट की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एन एच निकाली, ए वन की वैल्यू बैकवर्ड डेल्टा, ये बैकवर्ड डेल्टा है एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल वन एच आया, ए टू बैकवर्ड डेल्टा का स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर, ऐसे ही ए एन बैकवर्ड डेल्टा की पावर एन एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल वन एच की पावर एन आ गया। ठीक है, ये सारे हम लोग यहाँ पर रख देंगे, इन सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो हमने फंक्शन निकाला था वहाँ पे ए नॉट ए वन ए टू और ए थ्री ए एन की जो अभी वैल्यूज इवेल्युएट की है बैकवर्ड डेल्टा के फॉर्म में, यहाँ पे देखिए ए नॉट की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट की, ए वन की जगह ये पुट किया, ए टू की जगह और बाकी फंक्शन हमने वही रखा, और ए थ्री और ए एन की जगह यहाँ ये पुट कर दिया, बाकी वही चीज़ रखी है। ठीक है, तो ये था बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, और उससे पहले हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन देख चुके हैं। अब इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम, बट उससे लगा के आप सारे क्वेश्चंस लगा पाएँ, ऐसा कुछ करेंगे आगे वाले लेक्चर में। आप एग्ज़ाम टाइम पर अगर इंटरपोलेशन ऑफ इक्वल इंटरवल्स देखना है तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस का प्रूविंग, बैकवर्ड डिफरेंस का प्रूविंग और एक या दो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल डायरेक्ट वो सारे सॉल्व कराएंगे, जो क्वेश्चंस लगा के आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से दो या तीन, उससे आप सारे क्वेश्चंस लगा पाएँ एग्ज़ाम टाइम पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू।